Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। दोस्तों जो शिक्षा शास्त्र अपना टॉपिक चल रहा था, ठीक है, जो पेडागोजी अपने चल रही थी शिक्षा शास्त्र उसके अंतर्गत पहला टॉपिक चलाया है शिक्षण सहायक सामग्री। तो शिक्षण सहायक सामग्रियों के मैंने दो वीडियो बना चुका हूँ, लगभग इस टॉपिक के 5 से 6 वीडियो बनना चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। आपको शॉर्ट में पढ़ा देंगे उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा, अगर एग्जाम में प्रश्न नहीं बैठेगा तो फिर क्या मतलब आया वीडियो देखने से। तो 5 से 6 वीडियो इसके बनेंगे, ये तीसरा वीडियो है। अब इसमें अपन प्रक्षेपण के आधार पे और एनसीईआरटी उपागम के आधार पे सहायक सामग्रियों का वर्गीकरण देखेंगे। तो देखते हैं प्रक्षेपण के आधार पर ये वर्गीकरण किसका है, सहायक सामग्रियों का। प्रक्षेपण के आधार पे सहायक सामग्रियों को 3 भागों में बांटा गया है, प्रक्षेपी सामग्री, अर्ध प्रक्षेपी सामग्री और तीसरा अप्रक्षेपी सामग्री। तो याद रखना है प्रक्षेपण के आधार पर सहायक सामग्रियों का वर्गीकरण कितने भागों में, 3, प्रक्षेपी, अर्ध प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी। पहले देखते हैं प्रक्षेपी सामग्री क्या होती है। देखो प्रक्षेपी जो ये शब्द है इसको अंग्रेजी में कहा जाता है प्रोजेक्शन। क्या कहा जाता है, प्रोजेक्शन, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, फेंकना, ठीक है। प्रक्षेपी का मतलब क्या होता है, फेंकना, जिसमें एक कोई बिंब है, कोई चित्र है, उसको बड़े आकार में, बड़े आकार में किसी पर्दे पर या किसी दीवार पर जब आरोपित किया जाता है, फेंका जाता है, तो उसे ही प्रक्षेपी सामग्री कहेंगे। तो ये मान के चलिए जैसे प्रोजेक्टर होता है ना, प्रोजेक्टर, तो वहां तो छोटा चित्र है, अब उस छोटे चित्र को बड़े आकार में दिखाने के लिए उसके कहां फेंका जाता है, दीवार पर या पर्दे पर फेंका जाता है। तो ऐसी कोई सामग्रियां हैं जिसके माध्यम से छोटे चित्रों को या छोटी वस्तुओं को बड़े आकार में देखा जाता है। और कहां पे, ऐसे यूनिक डायरेक्ट बड़े आकार में देख लिया, बस वो दीवार पे होना चाहिए, प्रक्षेपित होना चाहिए, मतलब वो कहीं पर फेंकना चाहिए, कैसे, दीवार पर या तो दिखेगा वो वहां की चीज दीवार पे दिखेगी या फिर चित्र कोई पर्दे पर वो दिखेगा। लेकिन वो यूनिक ऐसा नहीं है कि किस कोई सामग्री है वो छोटे आकार की चीज को बड़े आकार में दिखा रही है तो वो ही प्रक्षेपित है, ऐसा नहीं होता है। प्रक्षेपित का मतलब यही है कि वह सामग्रियां जो किसी वस्तु को, किसी वस्तु के चित्र को किसी दीवार पर या फिर किसी पर्दे पर फेंक करके उस वस्तु को देखा जाए तो उसे ही प्रक्षेपी सामग्री कहेंगे। जैसे इसमें आता है ओवरहेड प्रोजेक्टर, ठीक है, ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या है, प्रक्षेपी है। क्योंकि अच्छा याद रखना, जितने भी प्रकार के प्रोजेक्टर है, जितने भी प्रकार के प्रोजेक्टर है वो सभी प्रक्षेपी सामग्रियों के अंतर्गत आते हैं। प्रोजेक्टर का मतलब क्या है, वहां से उन्होंने प्रकाश को फेंका और वो प्रकाश के द्वारा उस चित्र को दीवार पर या पर्दे पर बताया गया तो वही प्रोजेक्टर कहलाएंगे। तो जो ओवरहेड प्रोजेक्टर है, फिल्म प्रोजेक्टर है, स्लाइड प्रोजेक्टर है, ये सभी किस में आएंगे, प्रक्षेपी सामग्री में आएंगे। अब ये जो होती है जादुई लालटेन, मैं एक एक चीज को अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा कि भाई ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या होता है, इसका चित्र भी आप लोगों को बताऊंगा, फिल्म प्रोजेक्टर क्या होता है, स्लाइड प्रोजेक्टर क्या होता है, जादुई लालटेन। अब नाम दिखने में तो जादुई लालटेन लग रहा है लेकिन जादुई लालटेन भी पुराने जमाने का प्रोजेक्टर है, पुराने जमाने का प्रोजेक्टर है जिसका नाम रख दिया था जादुई लालटेन। ऐसा नहीं है कि वो लालटेन हाथ में ले ली और वो लालटेन नहीं, ये भी एक प्रकार का प्रोजेक्टर है जिसका नाम है जादुई लालटेन। फिर है चलचित्र, इसमें भी चित्रों को किसी दूसरी जगह फेंका जाता है। एलईडी प्रोजेक्टर भी इसमें आएगा, फिल्म स्ट्रिप या फिल्म पट्टी का भी प्रक्षेपी में आएगी, एलईडी और टीवी ये भी प्रक्षेपी में आएगी और जितने भी प्रकार के बचे हुए प्रोजेक्टर होते हैं वो सभी प्रक्षेपी सामग्री के अंतर्गत आते हैं। तो आशा है, हालांकि मैं इनको अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा अभी बाद में, जब एनसीईआरटी उपागम के अनुसार और प्रक्षेपण सामग्रियों के आधार पर इनके दोनों पढ़ लेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत ही गहन जानकारी दूंगा कि ये चीजें होती क्या है चित्रों सहित, ठीक है। अब ये सभी चीजें क्या है, प्रक्षेपी सामग्री है। फिर बात करेंगे अर्ध प्रक्षेपी सामग्री की। तो अर्ध प्रक्षेपी का मतलब जो न तो प्रक्षेपी है और न अप्रक्षेपी है, न तो प्रक्षेपी है और न अप्रक्षेपी है, उनको क्या कहा जाएगा, अर्ध प्रक्षेपी सामग्री कहा जाएगा। इसमें 4 आती है, जैसे तो नाटक, कठपुतली, रंगमंच और प्रयोगशाला में प्रयोग। तो अर्ध प्रक्षेपी को आप इस प्रकार से याद रख सकते हो कि जहां पर मनुष्य द्वारा खुद प्रयोग किया जाता है, खुद आगे रह करके,
इसे नाटक में मनुष्य अभिनय करता है, कठपुतली में भी मनुष्य अपने हाथों से कठपुतलियों को नचाता है, रंगमंच पर भी अपने अभिनय का प्रदर्शन करता है, प्रयोगशाला में भी खुद प्रयोग करता है। तो जहां व्यक्ति पर्सनल, ठीक है, पर्सनल खुद आगे रहकर किसी कार्य को करे और वो सहायक सामग्री बन जाए तो उसे ही अर्ध प्रक्षेपी सामग्री कहते हैं। फिर नेक्स्ट है अप्रक्षेपी सामग्री, मतलब जिनका प्रोजेक्शन नहीं किया जाता है, जिनको किसी चीज पर नहीं फेंका जाता है, जिनको किसी दीवार या पर्दे पर नहीं फेंका जाता है तो वो अप्रक्षेपी सामग्री कहलाती है। जैसे चार्ट है, चार्ट को यहाँ पे टांग देंगे तो अप्रक्षेपी, उसको दीवार पे कहाँ फेंक रहे, किसी वहां से कोई प्रकाश आ रहा है कि जो यहाँ पे उसका चित्र बन रहा है, नहीं, चार्ट तो खुद एक सामग्री है। तो चार्ट, चित्र, मॉडल, मानचित्र, आरेख, ग्राफ, शाम्पट, बुलेटिन बोर्ड, फ्लेनल बोर्ड, मैग्नेटिक बोर्ड और अबेकस, ये सभी सामग्रियां किसमें आ जाती है, अप्रक्षेपी सामग्री में आ जाती है। इनमें से किसी भी ऐसी कोई भी ऐसी सामग्री नहीं है जिनको किसी चीज के माध्यम से दीवार पर फेंका जाता है या दीवार पर आरोपित किया जाता है या दीवार पर या पर्दे पर दिखाया जाता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, अप्रक्षेपी सामग्री कहा जाता है। तो आशा है आपको ये समझ में आया होगा कि प्रक्षेपी, अर्ध प्रक्षेपी, अप्रक्षेपी सामग्रियां क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने के चांस है जी इसमें से, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसके बाद अपन एनसीईआरटी उपागम के आधार पर सहायक सामग्रियों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, उसके बाद में एक एक चीज क्लियर करूंगा। चलचित्र क्या है, जादू लालटेन, अभी यहाँ पे मैं क्लियर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके बाद में जैसे अपन ने क्या पढ़ा है, प्रक्षेपण के आधार पर सहायक सामग्रियों का वर्गीकरण पढ़ लिया है, अब अपन पढ़ेंगे एनसीईआरटी उपागम के आधार पर सहायक सामग्रियों का वर्गीकरण। किसके आधार पे, एनसीईआरटी उपागम के आधार पर, ठीक है, किसके आधार पे, एनसीईआरटी उपागम के आधार पर। तो एनसीईआरटी उपागम, एनसीईआरटी ने सहायक सामग्रियों को छह भागों में बांटा है। पहली आती है चित्रात्मक सामग्री, दूसरी आती है थ्री आयामी सामग्री, तीसरी आती है क्रियात्मक सामग्री, चौथी है प्रदर्शित सामग्री, पांचवी है प्रक्षेपित सामग्री और छठी है श्रव्य दृश्य सामग्री। तो ये किसके आधार पर है, एनसीईआरटी उपागम के आधार पे। अब चलिए चित्रात्मक सामग्री को समझते हैं कि चित्रात्मक सामग्री होती क्या है। तो वह सामग्री जिनमें चित्र बने होते हैं, क्या बने होते हैं, किसी भी प्रकार के चित्र बने होते हैं और उनका प्रयोग यदि सहायक सामग्री के रूप में किया जाए तो उसे ही चित्रात्मक सामग्री कहेंगे। जैसे चार्ट है, तस्वीर है, चित्र है, मानचित्र है, ग्राफ है और समाचार पत्र है, ये सभी, इन सभी में किसी भी, किसी न किसी प्रकार के चित्र बने होंगे और यदि उसका प्रयोग सहायक सामग्री के रूप में कर रहे हैं तो वही चित्रात्मक सामग्री कहलाती है। फिर इसके बाद में आती है दूसरा प्रकार, त्रिआयामी सामग्री, या फिर इसको बोला जाता है 3D मॉडल। क्या कहा जाता है, 3D मॉडल के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो त्रिआयामी सामग्री का मतलब है वह सहायक सामग्री जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें हो, वह सहायक सामग्री जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो, उसे ही त्रिआयामी सामग्री कहा जाता है, मतलब 3D मॉडल कहा जाता है। जैसे इसमें आती है वास्तविक वस्तुएं, क्या आती है, वास्तविक वस्तुएं, जैसे एक सेब फल है, बच्चे को बता रहे कि बेटा सेब फल में ये है वो है, तो आप उस सेब फल को खुद कक्षा में ले आ सकते हो तो क्या होगी, वास्तविक वस्तु होगी, तो कौन सी सामग्री है, त्रिआयामी सामग्री। फिर आभासी मॉडल, आभासी मॉडल का मतलब मैंने कल उदाहरण दिया था ना, जैसे ताजमहल है, तो ताजमहल को उठा के तो आप कक्षा में ला नहीं सकते हो, लेकिन ताजमहल का जो छोटा रूप है उसको आप वहां पे ला सकते हो, तो कौन सी वस्तु हो जाएगी, आभासी मॉडल के अंतर्गत आ जाएगी और वो भी क्या रहेगा, 3D मॉडल ही रहेगा। नेक्स्ट है पदार्थ, कोई सा भी पदार्थ आप लाओ तो उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होती है तो वो 3D मॉडल कहलाता है। इत्यादि ये चीजें किसमें आ जाएगी, त्रिआयामी सामग्री में आ जाएगी। तीसरा जो प्रकार है वो है क्रियात्मक सामग्री। क्रियात्मक सामग्री का मतलब है वह सामग्री जिसमें छात्रों के द्वारा क्रिया की जाती है, छात्रों के द्वारा कोई क्रिया की जाती है उसे ही क्रियात्मक सामग्री कहते हैं और वह क्रिया सहायक सामग्री के रूप में प्रयुक्त होना चाहिए तभी उसको क्रियात्मक सामग्री कहेंगे। जैसे रंगमंच पर छात्रों द्वारा अभिनय किया जाता है तो अभिनय ऐसे थोड़ी क्रिया करेंगे तभी तो अभिनय होगा, इसलिए रंगमंच को क्रियात्मक सामग्री में माना गया है। फिर नाटक भी है, नाटक रंगमंच लगभग एक जैसे, दोनों अलग अलग नाम। फिर भ्रमण है, छात्र भ्रमण पर जाएंगे, खुद वहां पर अनुभव करेंगे तो ये भी क्रियात्मक में आ जाएगा। फिर कठपुतली है,
तो कठपुतली भी ऐसे थोड़ी सहायक सामग्री बनती है, उसको भी क्रिया करनी पड़ती है, उंगलियां घुमानी पड़ती है, फिर प्रयोगशाला में प्रयोग, तो ये सभी चीजें किसमें आ जाएगी, क्रियात्मक सामग्री में आ जाएगी। चौथा जो प्रकार है वो है प्रदर्शित सामग्री। अब प्रदर्शित सामग्री का मतलब क्या होता है, वह सहायक सामग्री जिसका प्रदर्शन किया जाता है, ठीक है, जिसका प्रदर्शन किया जाता है, सॉरी जिस पर प्रदर्शन किया जाता है। प्रदर्शन तो इनका चित्रात्मक सामग्री का तो प्रदर्शन करेंगे, देखो इसमें क्या अंतर है, इसका प्रदर्शन किया जाता है, इसका प्रदर्शन किया जाता है, इसका तो प्रदर्शन किया जाता है, और जो ये क्रियात्मक है, जो ये प्रदर्शित सामग्री है, इन पर प्रदर्शन किया जाता है, इन पर प्रदर्शन किया जाता है, इन पर कुछ लिखा जाता है, तो वह सहायक सामग्री जिन पे प्रदर्शन किया जाता है उसको ही प्रदर्शित सामग्री कहते हैं। जैसे शामपट है तो अपन उस पर प्रदर्शन करेंगे, मतलब कुछ लिखेंगे, ट्रेनर बोर्ड है इस पे भी लिखा जाता है, बुलेटिन बोर्ड है इस पे भी सूचनाएं लिखी जाती है, मैग्नेटिक बोर्ड इस पे भी लिखा जाता है, और जो स्लाइड या ट्रांसपेरेंसी होती है उन पे भी लिखा जाता है, इसलिए इन सभी को प्रदर्शित सामग्री कहते हैं। अब यूं मत कहना स्लाइड या ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, मैग्नेटिक बोर्ड, मैं कई बार बोल चुका हूं कि एक एक चीज को क्लियर करूंगा इनको। फिर पांचवा प्रकार आता है प्रक्षेपित सामग्री। अब देखो प्रक्षेपित सामग्री तो अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां पर श्रव्य दृश्य सामग्री भी है, तो वहां जब प्रक्षेपण के आधार पर पढ़ा तो वहां पे श्रव्य दृश्य प्रकार नहीं था, तो ये याद रखिए कि एनसीईआरटी उपागम के आधार पर पूछे तो प्रक्षेपित सामग्री में दृश्य श्रव्य जो चीजें हैं जिनसे सुनाई भी जाता है दिखाई भी जाता है तो वो नहीं आने वाला है यहाँ पे। दृश्य श्रव्य अगर जिसे मान लीजिए प्रश्न आता है कि एनसीईआरटी उपागम के आधार पे प्रक्षेपित सामग्री नहीं है तो वहां पर एपिडाइस को आ जाता है, फिल्म पट्टिका आ जाती है, फिर जादू की लालटेन आ जाती है, और एक आ जाता है बाइस्कोप भी प्रक्षेपित सामग्री है, बाइस्कोप भी प्रक्षेपित सामग्री है, किंतु बाइस्कोप में सुनाया भी जाता है और दिखाया भी जाता है। इसे चलचित्र भी प्रक्षेपित सामग्री है, किंतु एनसीईआरटी ने किस श्रेणी में रखा, दृश्य श्रव्य के अंतर्गत उसको रखा है, हालांकि ये भी प्रक्षेपित है, ये भी प्रक्षेपित है, ये भी प्रक्षेपित है, तो फिर इनको प्रक्षेपित में क्यों नहीं रखा, क्योंकि इसमें सुनाया भी जाता है दिखाया भी जाता है, तो इसका अलग पार्ट हटा दिया, इसका नाम क्या रख दिया एनसीईआरटी ने, दृश्य श्रव्य सामग्री। तो आपको ये याद रखना है एनसीईआरटी के आधार पर प्रक्षेपित सामग्री में सब कुछ सारे प्रोजेक्टर आएंगे, लेकिन वो चीजें नहीं आएगी जिसमें भले प्रक्षेपण हो रहा है, किसी वस्तु को पर्दे या दीवार पर दिखाया जा रहा है, किंतु यदि वहां पर आवाज भी आती है और दिखता भी है तो उसको प्रक्षेपित में न रखकर दृश्य श्रव्य के अंतर्गत शामिल किया है, किसने, एनसीईआरटी ने। और नॉर्मली पूछे तो फिर वो सभी चीजें किसमें आ जाएगी, प्रक्षेपित में आ जाएगी। आशा है यहां तक समझ में आ गया होगा। फिर रेडियो भी प्रक्षेपित में माना है एनसीईआरटी ने, जादू की लालटेन में समस्त प्रोजेक्टर में वो प्रोजेक्टर नहीं आएंगे, यहां मैंने लिख दिया समस्त प्रोजेक्टर, लेकिन समस्त प्रोजेक्टर में वो चीजें नहीं आएंगी जिनमें प्रोजेक्शन तो हो रहा है, प्रक्षेपण तो हो रहा है, किंतु आवाज भी साथ आ रही है, तो वो प्रोजेक्ट वो सभी चीजें प्रक्षेपित में नहीं आएंगी, बल्कि वो दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आ जाएगी। इसमें क्या आता है, जैसे टीवी एक साथ देखना सुनना, चलचित्र जब अपन पिक्चर देखने जाते हैं ना वो वाला है ये, बायोस्कोप ये भी मैं बताऊंगा कि ये क्या होता है, इसमें भी सुनाया देखाया जाता है, कंप्यूटर सुनाया देखाया जाता है, वीडियो डीवीडी इसमें भी सुनाया और देखा जा सकता है, तो ये दृश्य श्रव्य सामग्री है। इन दोनों में यही अंतर है कि यहां पर अगर कोई चीज है प्रक्षेपित हो रही है किंतु उसमें आवाज भी आ रही है तो वो दृश्य में, और कोई चीज प्रक्षेपित हो रही है आवाज नहीं आती है तो वो प्रक्षेपित में। प्रदर्शित सामग्री और चित्रात्मक सामग्री में यह अंतर है, इनका तो प्रदर्शन किया जाता है जबकि इन पर प्रदर्शन किया जाता है, इन पे कुछ लिखा जाता है और इन पे कुछ लिखा नहीं जाता है, तो जिन पे लिखा नहीं जाता है चित्र बने होते हैं वो तो चित्रात्मक, और जिन पे लिखा जाता है वो प्रदर्शित। त्रिआयामी का मतलब क्या है, जिनमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें है वो त्रिआयामी या 3D मॉडल, और क्रियात्मक का मतलब क्या है, जिसमें छात्र क्रिया करें। तो आशा है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये अपन ने सहायक सामग्री का जो वर्गीकरण किया था वो पूरा हो चुका है, अब दो या तीन वीडियो इसके बनेंगे और ये अपना टॉपिक एक या दो दिन में पूरा हो जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से कम 5 प्रश्न 100% आएंगे इस टॉपिक में से पूरे रीट में, ठीक है, चाहे आप किसी भी लेवल से हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्क्रीनशॉट इसका ले लेना।